चीजें एक ही तरफ से दिखाई जाएं। तब लोगों की शिकायत ये होती थी भारत में कम से कम कि खबर आती थी आज प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, आज प्रधानमंत्री ने ये कहा, और अति तब होती थी जब खबर शुरू होती थी कि आज प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा न कुछ नया किया, तब ये अति होती थी। सरकारी होना डेमोक्रेसी में जब जनता की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब चुने हुए लोग ये अधिकार मान लेते हैं कि हमको ही दिखाएं, तब वहाँ विरोध की गुंजाइश, बढ़ोतरी की गुंजाइश खत्म होती है। इसलिए और चैनलों का होना जरूरी भी है कि मीडिया स्वतंत्र रहे, सरकार के कब्जे में, नहीं तो राज्य परिवर्तन होगा चाहे वो कितनी भी दादागिरी करता रहे। लेकिन स्वतंत्रता दूसरों की होनी चाहिए, वह ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता के नाम पर दूसरों का इंटरफेरेंस बढ़ जाए। तो जब कुछ न्यूज चैनल आए तो अच्छा लगा, और जब दूसरे न्यूज चैनल आए तो लोगों की इच्छा, और जो कम से कम दूसरे देश के लोग होंगे कि अब मैं अपनी चीजें मैनिपुलेट करवा सकता हूँ। जब तक शासकीय था तब तक मुझे उन नेताओं के मार्फत जाना पड़ता, आज मैं उन नेताओं को भी धूल चटा सकता हूँ क्योंकि ये मीडिया अगर मेरे पक्ष में। तो दुनिया भर में ऐसी कोशिश होती है कि जिस देश की भी इच्छा सुप्रीम होने की कोशिश होती है, जिस ग्रुप की भी इच्छा दुनिया पर कब्जा करने की होती है कि मेरा दुनिया में साम्राज्य, वो सबसे पहले वहाँ पर मीडिया को पकड़ बढ़ाएगा। मीडिया में पकड़ कैसे बनाएगा, उसमें पैसा डालेगा, उसमें निवेश करेगा, और उसमें कुछ अच्छी खबरें भी छपाएगा जिससे ऐसा लगे कि वो उस देश के बारे में बहुत सोच रहे हैं। और इसके लिए बहुत सारे इशूज हैं जिस पे आप अगर लोगों में चर्चा करें, जैसे करप्शन, भ्रष्टाचार, ये ऑनगोइंग समस्याएं, हजारों साल बीत जाते हैं, थोड़ा बहुत आचरण तो भ्रष्ट हो ही जाता है किसी न किसी का, जिसके पास सत्ता होती है वो थोड़ा बहुत मार्ग भटक सकता है। तो ये हमेशा पेरिनियल इशू है, इस पर आप चर्चा करते रहो तो आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करते रहोगे, उनका आकर्षण लिए रहोगे। और ऐसा सारे चैनल करते हैं कि हम जनता के भले के लिए लड़ रहे हैं लेकिन वो मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। और यहाँ फिर चीज़ें, फिर बार कई बार उसमें निवेश करने के लिए वो सत्ता पक्ष को ही चुनते हैं, प्रलोभन देते हैं। तो आज बड़े आज की डेट में अगर देखोगे तो इसी सरकार का जो गठन है, इसके पिछले जो 10-12 साल पहले थे, उसी ने ही मीडिया में पूंजी निवेश को इजाज़त दी थी, जिस सरकार के पीछे आज ये मीडिया पड़ी हुई है, और इसके पहले वाली सरकार। तो तुमको लगता है कि जब दूसरे को जूते पड़ रहे हैं तो ये मेरे पक्ष में, जैसे फिल्म की लाइन में धक्का मुक्की होती थी ना पहले टिकट लेने के लिए, तो जो आगे होता था उसको हम धक्का देते थे, जब हमारा नंबर आता है तब हमको लगता है धक्का गलत है। तो आज से 2-3 साल पहले जो भारत में हुआ है, दुनिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ उठी, आंदोलन हुए, और मीडिया ने 10-10 दिन 12-12 दिन चीज़ें दिखाई बिना चिंता किए कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अपना रोल भूल के एक तरफ न्यूज़ दिखाई, तो वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग था। तब जो विपक्ष में बैठे थे उनको ठीक लगा, आज जब वो पक्ष में आ गए हैं तब उनको खराब लगा। अभी पक्ष विपक्ष की बात नहीं, अगर देश की बात करें तो कैसे एक मीडिया अपने आप को मीडिया कह सकता है जब वो सारी चीज़ें छोड़ के एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाए। तब तो उसको एक इंटरेस्ट ग्रुप माना जा सकता है कि आपका भी इंटरेस्ट कुछ होगा, तब आपके पैसे कहाँ से आते हैं? अगर दिन भर दिखा के आप एक ही चीज़ दिखा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, तब ना एक चीज़ दिखा पा रहे हो, या दूसरों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, तब इसको भी आप ठीक नहीं कह सकते। तो बैलेंस की एक ज़रूरत आपको लगेगी कि सरकारी भी ना हो और प्राइवेट में बिजनेसमैन माफिया, जो मीडिया माफिया कहलाते हैं, उनका भी प्रभुत्व उसमें ना रहे। तब जैसे हम पूर्व में कहे कि भारत में अगर तुम देखो राज्यसभा टीवी है, एक लोकसभा टीवी है, उस पर जो मौजूदा सत्ता है उसका हस्तक्षेप ना के बराबर है क्योंकि सारे संसद का हिसाब। ऐसे चैनल्स, ऐसे इंटरटेनमेंट जिसमें पब्लिक का डायरेक्ट फेथ हो और डायरेक्ट इंटरफेरेंस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, तो जो सरकार के समर्थन में भी ना हो और देश के विरोध में भी ना हो, ऐसे मीडिया सभी देशों के लिए अच्छे होंगे। नहीं तो हम सुदूर देश में
क्रांति कराने के लिए, बदलाव कराने के लिए बिना वहां जाए मीडिया को पैसा देके वहां की जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रोज खून खराबा, चोरी डकैती, बलात्कार का सीन दिखाते हुए वहां मैं असंतोष क्रिएट करूंगा कि देखो तुम्हारे देश में इसके अलावा कुछ अच्छी चीज है ही नहीं। जब लोगों में विद्रोह बढ़ जाएगा तो वो सड़कों पे आएंगे, गोलीबारी करेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, ये बाहर आ गए हैं देश, और लोग भी आए। तो हो सकता है हम ट्वीट करें, हम फेसबुक पे जाएं, हम ईमेल का सहारा लें या डायरेक्ट न्यूज चैनलों को पैसा दे के वहाँ मैनिपुलेट करें, तो गृह युद्ध की स्थिति तक हम लेके आ सकते हैं। तो ये बिना वहाँ जाए ऐसा हम कर सकते हैं, जिसके पास पैसा है वो तो कर ही सकते हैं। और फिर दूसरे को नीचा दिखाना और अपने को ऊंचा दिखाना। तो कल्चरली तुम देखोगे कि आज से बहुत साल पहले कि सुपरमैन जितने भी होते थे सब वाइट होते थे, और दुश्मन जितने होते थे वो ब्लैकेस्ट या ब्रिटिश कलर के होते थे। वो तो अजीब चीज है कि जब कुछ लोग अफ्रीका गए और उनको कन्वर्जन शुरू हुआ तब जाके वो कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बदला, और यहाँ पे भारत में जब लोगों को अच्छा लगा तो ही मैन की जगह हनुमान भी आ गए, सुपरमैन, हनुमान, इस तरह की चीजें शुरू, तो चीजें बदली। दूसरे दृष्टि से देखोगे कि जितने परिवर्तन होते हैं वो सब नेगेटिव से होते हैं, अब उसको पॉजिटिव करना हमारा काम है। कितने वेरिएबल्स हैं, तो चीजें मीडिया में अच्छी नहीं, मीडिया मैन को तनख्वाह मिलती नहीं। तुम उनके कपड़े देखोगे तो दो चार मीडिया के अलावा जो प्रेस रिपोर्टर हैं उनके कपड़े देख के पता लगोगे कि इनको तनख्वाह नहीं मिलती होगी, या मिलती होगी तो मिनिमम गुजारा भत्ता से ज़्यादा नहीं होगा, मर मरा जाए तो इंश्योरेंस नहीं, मकान नहीं है, तब वह लोगों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। और टेरर इतना क्रिएट कर दिया मीडिया का कि ये लोग आम व्यापारियों से तो बात दूसरी, पुलिस वालों से और यहाँ तक कि न्यायालयों के अधिकारियों से, न्यायाधीशों तक से पैसे वसूल लाते, मंत्री मंत्रियों की तो औकात क्या है, तो इतनी ताकत इकट्ठी कर ली। तो करप्शन जो रोकना चाहिए वो करप्शन में इन्वॉल्व मीडिया हो जाता, और तुम मीडिया वालों से बात करोगे ये काम खराब है, हाँ हो जाए, फलाना हमारा जानकार है, नहीं है जानकार तो उसके खिलाफ लगा दे, दो चार दिन में जानकारी, कुछ ना कुछ गलती तो होती है जब काम कर। जैसे एक सज्जन बोल रहे थे कि देखो वो चोरी करता है और तुम ऑफिस लेट जाते हो, तो उन्होंने उस करोड़ों की चोरी को 15 मिनट लेट से इक्विवेलेंट करने की कोशिश की। चोरी तो समय में चोरी है, लेट जाते हो वो भी चोरी है, तो ऐसे कंपैरिजंस, और फिर उसको बार बार जोर से चिल्लाना, पैनलिस्ट बुलाना कि लेट जाना अपराध है, आप देश के सबसे बड़े दुश्मन हो गए अगर 15 मिनट लेट गए ऑफिस, चाहे 2 घंटे लेट तक बैठे रहे, तो ऐसा क्रिएट कर दलाली पूरी। तब ऐसे में जब लगेगा कि सरकारी ही अच्छा था, और जब सरकार की दादागिरी अकेली चलती है सत्ता पक्ष की, जैसे पहले रजवाड़े होते थे उनको कोई एकाधिकार और अनाधिकार चेष्टा में कोई अंतर ही नहीं होता था, तब लगता था कि नहीं कुछ ग्रोथ होना चाहिए, कुछ प्राइवेट चैनल होना चाहिए। तो दोनों में सामंजस्य की जरूरत है, दोनों हो गए। अब दुनिया भर में ये जरूरत है कि जो भी इंटरेस्ट ग्रुप हैं और जो वाकई में भला चाहते हैं, जो इन सब के ऊपर उठ गए, उनको चाहिए कि मीडिया को एक ऑम्बड्समैन के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो वाइस एंड ओल्ड मैंस की हर एक कंट्री में, चाहे वो रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स हों, उनकी एक पैनल, तब जाके चीज़ें समझ में।